हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सभी को पसंद आती है, और ये है रेसिपी मोमोज की। सो फ्रेंड्स, लॉकडाउन में हम बाहर मोमोज खाने तो नहीं जा सकते, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो घर पर ही मोमोज बनाने की मैं आपको बहुत ही ईजी रेसिपी बताने वाली हूँ। सो आइए देखते हैं ये मोमोज की रेसिपी हम आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं, और इसी के साथ मैं आपको चटनी की रेसिपी भी बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे चटनी की रेसिपी से। तो चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, यहाँ पर मैंने ये टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने पानी में उबालकर उसका छिकल हटा लिया है, और आप देख सकते हैं टमाटर का कलर कितना अच्छा है। यहाँ मैंने ये अदरक लिया है, धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, और ये लहसुन ली है, और यहाँ पर मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर अच्छा आता है चटनी का। और यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद नमक यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सिरका। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 टमाटर के लिए सिर्फ 1 चम्मच सिरका यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में ये सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये सिरका और सफ़ेद नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी हमें थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। अब इसको अच्छी तरह से मैं पीस लूंगी। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, चटनी का पेस्ट बनकर तैयार है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। सो इसका रंग और अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में ये रिफाइंड ऑयल यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे चटनी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टमाटर प्यूरी ऐड कर दी, और ये देखिए आप कितना अच्छा कलर हो चुका है इस चटनी का। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये धनिया पत्ता। धनिया पत्ता अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अब इसको मैं अच्छे से चला दूंगी, और इसमें एक उबाल आ जाने के बाद मैं गैस का स्विच ऑफ कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप सेम इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हैं इस चटनी को बनाने के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट चटनी बनकर तैयार होगी, जो मोमोज से बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं इस चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। ये तैयार हो चुकी है मोमोज के लिए यमी चटनी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मोमोज के लिए डो तैयार कर लूँगी। सो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, पानी लिया है, एक बड़ा कप मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैंने यहाँ मैदा यूज़ किया है, यहाँ 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने लिया है नमक। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस बाउल में मैदा ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अब नमक, रिफाइंड ऑयल, और इन सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर लेना है, रिफाइंड को और नमक को। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से डो बना लूंगी इसका। फ्रेंड्स, मैदा को बहुत अच्छी तरह से हमें मलना है, जिससे कि जो डो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। जितना अच्छी तरह से आप इसको मलेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से डो बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अपने हाथ पर लगाकर इसके ऊपर इसको लगा दूंगी और अच्छी तरह से मल दूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर डो को अच्छी तरह से ढक दूंगी और आधे घंटे के लिए इसको रख दूंगी, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ फिलिंग। सो फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोयाबीन। सोयाबीन को मैंने उबाल कर उसको निचोड़ कर अच्छी तरह से उसको बारीक चॉप कर लिया है, और मैंने यहाँ पर गोभी को गर्म पानी में भिगा कर उसको अच्छे से साफ करके उसको अच्छी तरह चॉप कर लिया है, और इसका पानी निचोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये प्याज। प्याज का भी पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, और मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च का भी पानी अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, और ये है लहसुन और अदरक, और यहाँ पर मैंने यूज़ की है गाजर। गाजर का भी पानी निचोड़ दिया है।
सो फ्रेंड्स इसमें हमें मसाले चाहिए ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर मैगी मसाला मैजिक यूज़ कर रही हूँ, नमक यूज़ कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ और गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आइए फ्रेंड्स तैयार करते हैं इसकी फिलिंग। सबसे पहले कढ़ाई में यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स ऑयल गरम होते ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसको अच्छी तरह से मिला दें। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज, प्याज को भी बहुत बारीक चॉप किया है और इसका पानी निचोड़ लिया है, इसको भी अच्छी तरह से भून लें। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। प्याज भुन जाने के बाद मैं यहाँ पर गाजर ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसको तभी हमें यूज़ करना है जिससे कि जो फिलिंग है वो थोड़ी ड्राई रही। फ्रेंड्स अब मैं इसमें गोभी ऐड कर रही हूँ, ये सारी गोभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला दें। गोभी मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर ये सोया चंक्स ऐड कर रही हूँ, सोया चंक्स को भी बहुत अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लें या फिर इसको चॉपर में चॉप कर लें। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये लाल मिर्च पाउडर, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। सब्जी को अच्छी तरह से भून लेना है, इसको जलाना नहीं है, इसको अच्छी तरह से चलाते रहें। और ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी भूनकर तैयार हो चुकी है और ये कुछ ऐसी दिख रही है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद ही मैं इसमें यहाँ पर मसाला ये मैजिक ऐड करूँगी। ये मैगी मसाला मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। ठंडा होने के बाद ही इन दोनों को मिक्स करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स फिलिंग एकदम तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टीमर लिया है, ये है स्टीमर की प्लेट। और यहाँ पर मैंने सूखी मैदा ली है, डो देख सकते हैं आप, डो बिल्कुल रेडी है और एकदम सॉफ्ट है। और यहाँ पर मैंने लिया है ये फिलिंग और यहाँ पर मैंने लिया है ये बेलन और चकला। और यहाँ पर मैंने ये जो स्टीमर है उसमें पानी भरकर गैस पर रख दिया है। और अब मैं इस मैदा को अच्छी तरह से दोबारा से मल लूँगी जिससे ये और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स अब मैं इसके अच्छी तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने का आप एक ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि आप इसको इस तरह से रोल करके चाकू की मदद से इसको अच्छी तरह से कट कर लें। इससे जो पेड़े होंगे वो एक साथ बनकर आएंगे, एक सिमिलर बनकर आएंगे और बहुत ही ईजिली आप इसको रोल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना आसानी से मैंने इसको बना लिया है। और ये देखिए पेड़े कुछ इस तरह से मैं तैयार कर ली हैं, अब मैं इसको बेल दूंगी। इस तरह से मैं इसको बहुत अच्छी तरह पतला पतला बेल लूंगी, इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। शेप इसमें मैटर नहीं करती है फ्रेंड्स, बस इसको आप थोड़ा पतला रखें, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैं ये अच्छे से सब बेल कर तैयार कर लूँगी जिससे मोमोज फटाफट बना सकूँ। और अब मैं इस पर फिलिंग भरने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको, जैसे साड़ी में हम फोल्ड करते हैं, साड़ी में प्लेट बनाते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पर प्लेट ली है। इसको अच्छी तरह से प्लेट की तरह बना देना है। और ये जो पीछा वाला हिस्सा है मैंने इसको अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है और मैं यहाँ पर ये वाली शेप यूज़ कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसकी एक राउंड शेप आपको बनाकर दिखाती हूँ। उसी तरह से साड़ी की प्लेट की तरह इसको अच्छे से मोड़ लेना है, घुमाते जाना है। और आप देख सकते हैं आप इसको खुला भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से बंद कर दूंगी।
देखिए तैयार है एक राउंड शेप। इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने सारे मोमोज बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मोमोज स्टीम करने के लिए एकदम तैयार हैं। सो अब मैं इसको स्टीमर में रख दूंगी फ्रेंड्स। स्टीमर में इसको 10 मिनट के लिए तैयार होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए तैयार हुए हैं मोमोज। और ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, और अगर आप सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे मोमोज बनाने के लिए, तो मोमोज बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सब बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स मोमोज को आप मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सांगवीस किचन की वेज मेयोनीज यूज़ की है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स बच्चे हों या बड़े, ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली में सभी को खिलाइए। और फ्रेंड्स अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ढेर सारे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय फ्रेंड्स।